हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम बनाएंगे काबेज़ की एक ऐसी रेसिपी जो आप एक बार खाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन होगा, ये मेरा गारंटी है। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाए हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी काबेज़ को अच्छे से, वो घर पे रहते हैं तो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम एक बाउल ले लिए हैं, इसमें जो काबेज है उसको चॉप किए थे इसमें ले लिए हैं। यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है आधा कुटा हुआ उसको ली हूँ। मैं यहाँ केसरी मेथी जो है वो पैकेट में आता है उसको ली हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप धनिया का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं धनिया पाउडर ली हूँ, मिर्ची का पाउडर, ये सॉल्ट ली हूँ। अब स्वाद अनुसार दीजिएगा। और थोड़ा सा फूड कलर डाली हूँ, आप चाहे तो इसको स्किप कर दीजिए। इस पर मैं मैदा दी हूँ, आपको अगर सॉफ्ट नहीं चाहिए क्रंची चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ अच्छे से इसको मिक्स कर दी हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रेसिपी मेरा अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मैं यहाँ ऑयल गरम कर ली हूँ, इसको एक बॉल शेप देके छोटे छोटे बॉल जैसे बना के इसको तेल में फ्राई करेंगे। इसको हम डीप फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम की हूँ। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो आप मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको इवनिंग में भी खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर बच्चों के टिफ़िन में देंगे तो इसका मिर्ची पाउडर और मिर्ची जो है ना उसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ फ्राई हो गया है, मैं इधर से निकाल ली हूँ। और एक दूसरा पैन बिठा के इसमें थोड़ा सा ऑयल दे के मैं कुछ मस्टर्ड सीड्स इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि वो अच्छा स्मेल आता है। आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप इसमें दे सकते हैं, मैं यहाँ नहीं दी हूँ। इसमें मैं अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट दी हूँ ताकि उसका जो स्मेल है वो अच्छा आए। यहाँ पे जो बॉल हम फ्राई किए थे उसको यहाँ पे डालूँगी। तभी आप गैस को सीम कर दीजिएगा, नहीं तो वो जो मसाला है वो जल जाएगा। थोड़ा सा टमाटो सॉस लेके इसको दी हूँ, अच्छे से इसको अभी मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो धनिया का पत्ता है वो काट के मैं दी हूँ, और मिर्ची का छोटा छोटा टुकड़ा करके इसमें दे दी हूँ। ये धनिया का पाउडर और गरम मसाला का पाउडर दे दी हूँ। आपके पास धनिया का पाउडर नहीं होगा तो आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, अच्छा टेस्ट आएगा वैसे भी। ये हमारा अभी बन गया है। वैसे स्टिक लगा के इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं और खा भी सकते हैं। अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय जगन्नाथ।